Good afternoon, students. I hope you all are good at home. In this lesson, we learn about the basics of life processes. As we all know that living organisms are made up of many organs like lungs, heart, kidney, etc. जैसे कि हमें पता है कि जितने भी living organisms हैं, चाहे वो animals हैं, चाहे वो humans हैं, वो सारे जो हैं वो organs से बनते हैं. अभी जो हमारे ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बनते हैं और हमारे टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के सेल से बनते हैं. सो हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डाइवर्स काइंड ऑफ टिश्यूज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मेंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइफ प्रोसेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सब प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन. लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अब जो न्यूट्रिशन में हम बेसिकली टाइप्स तो हम इसकी पढ़ चुके हैं, अब हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. स्टूडेंट्स, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो अपलोड की है, आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा और उसकी स्ट्रक्चर को आपने अपनी नोटबुक में बनाना है. आपकी बुक में भी वो स्ट्रक्चर जो है वो दी होगी. अभी आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो है ये 5 questions. आपको ये 5 questions जो हैं सॉल्व करने हैं. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एट 5 o'clock इन द इवनिंग. थैंक यू.